क्लैपिंग करते रहोगे। जरूर खड़े होवांगे ते मैडी जी के चरणों के अरदास करांगे भी अज का इवेंट अपना सक्सैसफुली वधिया तरीके दे नाल रहे। जो मैं एलोपैथी का काम सीखता सीगा तो उदो साडे कोल एक सिफेक्सन नाम का साल्ट आया सी, आप जानते सारे। तो मैं बहुत साडे वधिया इत्थे ऑर्थो के डॉक्टर से उन्होंने कोल गया जां होर भी सर कि बहुत वधिया साल्ट आया तुसीं यूज करके देखो। और डॉक्टर से उन्होंने पता सीगा इनफॉर्मेशन सीगी वो कहते ना यार तो बहुत एडवांस आ इंजी कहते सी सर। तो अज जिन्हें भी बच्चे वाले डॉक्टर आ सब तो पहला एंटीबॉडी उन्होंने कहड़ा होंगे सर, ठीक कह रहे जी। मैं जब उस विषय से काम नहीं करते पर उस काम विषय की नॉलेज तो है अपन भी बहुत एडवांस तेजी के नाल एंटीबॉडी यूज हो कुछ अपने यह जे एंटीबॉडी का जा यह जे स्टीरॉयड आ जिहड़े कि हाईली डोज के आप जाने जाने के अपने साथी प्रभाव बहुत ज्यादा वरत रहे हैं। पर इलेक्ट्रोमोबिलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੈਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100% ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਪੈਥੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਏ। इलेक्ट्रोमोबिलिटी डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन दे भी 100% ईएच दी प्रैक्टिस विच कोई एलोपैथी जां कोई सिस्टम होर नहीं, ये अवार्ड उन्हां नूं दित्ते जांदे आ जिहड़े डॉक्टर्स अपने क्लीनिक नूं अपग्रेड कर रहे हैं जहाँ बहुत वधिया पहला काम कर रहे थे उन्होंने अपग्रेड कर लिया उस सिस्टम जाना चाहते हैं उन्होंने नहीं, यह जो बिल्कुल फ्रैशली कर रहे हैं उन्होंने आ इस तो बिना जो तुम इस सिस्टम जाना भी चाहते हैं तो तुम दस सकते सानू भी असं इस हिसाब ने किया तो असं नैक्सट टाइम तुम्हें वो प्रजेंट कर देंगे। जी सर,
ये शुभ मुहूर्त सर डॉक्टर जगतार सिंह सेखू जी ने किया सीगा ये साड़ी सारी टीम साड़ी एडीएम दे प्रेजिडेंट भी सीगे विच इस अगे जी चलते हैं ये जी वीडियो है वीडियो तुहाडे सामने प्ले करांगे ते ए वीडियो जिन्ना की है वो रिश्ते च मेरे रिश्तेदार लाए गए तो डॉक्टर नहीं गए ते ओ मैनू लगता ईडीएम दे विच काफ़ी जी जाणिआं दे जीजा जी लाए गए सर है ना क्योंकि साडे इक सत्कारी डॉक्टर साहब आ साडे वड्डे भरा वा उन्होंने जीजा जी और साढ़े भी जीजा जी हुए साढ़े नहीं मतलब मेरे सारे दिन ठीक है तो जीजा जी की रिस्पैक्ट आप वधिया तरीके नाल करनी है भी जीजा जी अपने ना वधिया रहन क्योंकि जो प्रौणा दो बार जी लग गया हाँ जी अगे भी तो पिछे भी बिल्कुल तो जो प्रौणा साहब रुस जाण फिर तां कर डॉक्टर जसवीर जी शर्मा भगत भाई के लिए कहना एडी मीटिंग ना जुड़िया इस तो बाद मैं मुका विखे मीटिंग अटेंड करनी शुरू की जिस तो मैं बहुत ही कुछ सीखने मिले तो मैं एडीएम टीम के सहयोग करके बहुत ही वधिया अपनी प्रैक्टिस में एनहांस किया तो मैं होर भी डॉक्टर को सलाह दूंगा कि एडीएम टीम के नाल जुड़ना तो मौका देखे मीटिंग अटेंड करना जो भी कोई मुश्किल आती है तो एडीएम टीम के डॉक्टर वो बहुत ही हेल्प करते हैं उन्होंने चाहे किसी वेले भी फोन कर लो फोन भी चुकते हैं उस मैं जरूर चाहवांगा भी वो साथी अज इस दिहाड़े ते इस पावन रूह दे स्टैचू दे सामने एक पर्न करके जान भी असं समझना है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की है ठीक है जी सो इन्ना ही गल्लां ने सानू उपर लेके जाना जे असं कह दिए भी असं बहुत वड्डे डॉक्टर बन गए नहीं अज भी सानू सीखना पैना है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की है क्योंकि जो मेरा विषय है मैं तो कोई लैक्चर देने नहीं आया ना मैं प्रोफेसर आ रहा मैं लैक्चर आ रहा है ना मैं तो अड़ा साथी है अज किसी डॉक्टर को जे लगता भी रिजल्ट नहीं मिलते वो बाह खड़ी करो जो लगता इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेरे रिजल्ट नहीं मिलता है कि हम एक बार मैं होर जी खड़ी करा लिया होनी चाहिए जो नहीं करा झूठा होगा इस ईमानदार लोगों वास्ते एक ताड़ी और जेड़ा बंदा आपके औगण पहचानता औगण छेती दूर भी कर लेंगे मैं यही कहांगा जेड़े बंदे ने हाथ खड़े किए नेक्स्ट ईयर जो आप मिलांगे जे वो साथी इस हाल चाहे तो फिर उन्होंने जानना पेगा भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की है जो मिक्स वाला तो जो फॉर्मूलेशन है ना क्योंकि हम तुम मान के चलो आप मिक्स करते हैं कि सब्जी बनाने प्रैक्टिस करते हैं कि मिक्स वेज थोड़ो है ना असं कोई वैजीटेबल थोड़ो बना भी आ भी पाली तड़का ला लिया मिक्स वेज बन गई हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस करनी है तो जानना पेगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पावर है तो वैसे मैं थोड़ा जहा रूपरेखा दसदा क्योंकि आप परिवार बैठे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर बैठे हैं इस करके सारिया गल्लां अपने विचकार ही रहन तो वधिया वा विचकार रहन भी कल किसी ने ना लगे भी यार आप गए थे सैलीब्रेशन करना तो पैसे तो बहुत ले ले तो कुछ शेयर करनी चाहिए ना सर अपन गल एक हज़ार पचास रुपये की तो आप पर प्लेट इतें ही होटल ना की सर उस तो बिना बैनर मीडिया फ्लैक्स सर्टिफिकेट कूपन होर बहुत सारिया चीज़ा
जो अपॉक्सीमेट लिया पे एक बंदे की कॉस्ट करिए 1460 रुपए पै चुकी है, 1460 रुपए पै चुकी है। जेडे लुकमे खर्चे जो बाद च होने हैं वो हजे बाद च होने, जो असं थोड़े को ले घट है तो प्रजेंट आप ज्यादा कर रहे हैं। यही मीटिंग आप एक धर्मशाला भी रख सकते, कोई स्टैंडर्ड अपना डाउन भी कर सकते, शायद सस्ती पै जाती। पर मैनू नहीं लग्या, मैं कुछ एसोसीएशन ऐसा जानता हाँ जी कि अपने पेशेंट के नाल ही संबंधित रखती हैं, वो अज तक दलिए से बैठ नहीं मिली है। पर वी आर ए स्टैंडर्डाइज डॉक्टर, तो इस करके असं उस स्टैंडर्ड को मेनटेन करने की कोशिश की है। तो जो डॉक्टर साहब ने एक्सट्रा फंड दिता तो जरूर तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने यूनियन के वास्ते बहुत वधिया फॉर्म कढ़िया, 11,000 रुपए इस ईडीएम दिते, जिद सब तो पहला डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी और सुधीर शर्मा जी ने 11,000 रुपये प्रजेंट करने। डॉक्टर गुरमोहन सिंह जी इन्होंने भी 11,000 रुपया दिता, अमृतपाल उन्होंने भी 11,000 रुपया। इस तो अलावा डॉक्टर एस के कटारिया जी बठिंडा तो कटारिया होम हॉस्पिटल उन्होंने भी 11,000 रुपये प्रजेंट किया। डॉक्टर गुरविंदर कौर ब्राउन जो कि अज किसी कारण करके अपने बच्चे मीटिंग अटेंड नहीं कर सके, उन्होंने भी 11,000 रुपया दिता। इस तो बाद जी एक पैसे 5,500 रुपया जिहड़ी कि फैमिली ने सानू घट्टो घट 6-7 फोन लाए सर किन्ने की पर्ची कटाउणी है कि किन्ने की कटाउणी है, पर असी क्या जिन्ने की थानू ठीक लगती है उन्ने की कटा दो, कोई भी कंपनसेशन नहीं, भी जिन्ने की ठीक लगती है उन्ने की कटवा दो। उन्होंने डॉक्टर संतोख जी तरन तरन तो 5,500 रुपया उन्होंने पर्ची कटवाई सी। इस तो अलावा 5,100 रुपए के जिन्होंने सगन स्कीम के तहत मैं दिता उन्होंने नाम हैगा साढ़े जनरल वाइस जनरल सैकटरी डॉक्टर जसवीर शर्मा भगता भाई का। इस अलावा साड़ी जसपाल सिंह विरक जी जीरे तो विरक इलैक्ट्रोमोपैथी एजेंसी उन्होंने भी 5,500 रुपया भेज किया। डॉक्टर राजेश कुमार सरी जोड़े कि साढ़े डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने को एजेंसी है उन्होंने भी 5,100 रुपया दिता। डॉक्टर कमलजीत कौर सेखो जेडे कि स्टेज के विराजमान उन्होंने भी 5,100 रुपये की राशि भेज की। डॉक्टर अमरजीत सिंह गिदड़वाला उन्होंने 3,100 रुपया सू दिता। इस अलावा 5,100 रुपये एक नाम होर बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर शहजाद मलेरकोट लाभ उन्होंने भी 5,100 रुपये की राशि सामने प्रदान की। डॉक्टर नवजोत सिंह जी इस अलावा 3,100 रुपया असं कहते होंगे धन धन बाबा मनजीत सिंह सिद्धू जी 3,100 रुपया उन्होंने वालों भी आया। डॉक्टर दरबारा सिंह जी भुल्लर कैशियर साहब प्रेस कत्र इन्हों वालों भी 2,100 रुपया। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी इन्होंने भी 2,100 रुपया। डॉक्टर मुकेश फिरोजपुर तो इन्होंने भी 2,100 रुपया। डॉक्टर गुरिंदर 2,100 रुपया। तरन तरन जी इस तो बिना जो किसी का नाम रह गया हो तो बलविंदर कौर सैनी जी इन्होंने भी 2,100 रुपया। इस तो बिना जी किसी का नाम रह गया हो 5,100-3,100 देकर उसका नाम बुलवा सकता। डॉक्टर करतार सिंह धालीवाल जी भी 2,100 रुपया। दोस्तों सॉरी डॉक्टर निर्मल जी सिंह की पट्टी 5,100 रुपया उन्होंने भी आया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद जी। इस तो बिना जी तो किट मिली है जेडे पेन है वो डॉक्टर गुरमोहन जी ने स्पॉन्सर की जी उपरली किट है। दोस्तों फंड देने कोई वड्डा छोटा नहीं होंदा,
भी कि फंड किने दिता जा की दिता। मेन गल होंगी है दिल की भाव तो मैं इन्ना तो यकीन रखता हाँ कोई मिनिस्टर साहब पहुंचे अपने विचार किड़े पहुंचे ये नहीं पता जो एंटर होंगे वो भी पता लगेगा तो जिन्हें फंड दिता वो कोई भी फंड दे के वड्डा छोटा नहीं गा जिन्हें दिता बहुत संपूर्ण वधिया दिता। तो मेन पॉइंट आ कि वे ऑफ पॉइंट अपना देन दा क्योंकि जो किसी कोई चीज़ देन भी आती है ना तो उदो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप अपने दसवें दसवंध के कोई चीज़ कट के दें। तो मैं यही गल जरूर कहूँगा जिन्हें ने भी ई डी एम ए कोई ना कोई साझेदारी पाई है वो जिन्ना उन्होंने दिता वो तो दस गुना उन्होंने वापस किया वो कितने भी इवेंट दे जान कितने भी कुछ करे। मैं क्या भी पूछ लिए ना इस तो अगे सर जिहड़े भी डॉक्टर साहबान 11 तरीक नू नैशनल लैवल प्रोग्राम धामपुर विखे जाना चाहते हैं वो कल तक सानू अपने नाम जरूर दस दे ताँ जो सही समय रहिंदे उन्हां दी जान दी व्यवस्था। इस तों इलावा साडे छोटे वीर अमन रखरा जी सोशल मीडिया इंचार्ज आम आदमी पार्टी जिला मोगा वह भी साढ़े विचकार पहुँचे है उन्होंने भी जी आए वेलकम कहते हैं। साढ़े नवदीप बालिया जी ये भी साढ़े विचकार पहुँचे है इन्होंने भी जी आए आखते हैं आम आदमी पार्टी से बहुत स्वागत। सत्कारयोग साथी पुराने जिहड़े अमन रखरा जी है इन्होंने सानू हेल्थ मिनिस्टर तक अप्रोच करवा के उन्होंने टाइम लैके दिता सीगा ते तुसी फोटो भी देखी होगी ते असीं इन्हां दा स्पैशल थैंक्स करते अपने कीमती समय से कट के नाल ही दीपक जी साढ़े बहुत पुराने साथी बहुत लंबे समय तो आम आदमी पार्टी के नाल काम कर रहे हैं जिहड़े कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन मोगा दे है ते इन्हां दा भी सियाया दा तहे दिलों धन्नवाद वेलकम करते हैं। नाल ही नवदीप वालिया जी जिहड़े कि आम आदमी पार्टी के एक्टिव मैंबर तो सोशल ट्रेड के अहदेदार है उन्होंने असी आम इतने वेलकम करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रजेंट करें विवान तो अज की इस फंक्शन के उपर सबर अपने बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी और दूर दूर के अलग अलग जिलों से आए हुए मेरे चिकित्सक बंधु इसी के साथ ही हैं। हरियाणा से भी बहुत सारे लोग डॉक्टर साहबान पहुँचे हैं। मैं आज के इस पावन बेला पर आप सबों का अपनी ओर से अपने रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि ये वक्त जो आज हमारा इस सेलिब्रेशन के लिए है इसे हम जाया ना जाने दें, इसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन के साथ साथ हम अपने आपस में विचारों को भी साझा करें और भविष्य के लिए अपनी जो रणनीति है जो गतिविधियां हैं उनको अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए आपसी कोऑर्डिनेशन भी बनाएं। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज का एक फ्यूचरिस्टिक चिकित्सा विज्ञान है जिसे आप भविष्य का चिकित्सा विज्ञान बोलते हैं। कोई भी पद्धति जब भी इस दुनिया में आई है उसने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। 100% माइंड बॉडी सोल जो एक ईश्वर के द्वारा रचित इस पंचमा भूत शरीर के अंदर है ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम माइंड बॉडी सोल जिससे शरीर की रचना होती है इन तीनों के बीच का जो समावेश है कोऑर्डिनेशन है ये आपको नेचर के द्वारा जो बनाई हुई औषधियाँ या यूँ कह लीजिए कि इस नेचर ने खुद ही हमें कोऑर्डिनेट करने का काम किया है। हम इंसानों की थोड़ी सी ये भूल हो जाती है
कि हम अपने अपने क्षेत्र में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं, कई बार इस परमात्मा की बनाई हुई इस मशीन का रख रखाव करना भी भूल जाते हैं। पहला नाम इस साल का जो मुंडे का मैं लगता 15 तरीक का होगा डॉक्टर जसिंदर जी का। ठीक है ना जी, मैं जसिंदर जी वास्ते भी एक बार क्लैपिंग हो जाए। बहुत अच्छा हॉस्पिटल तैयार कर रहे हो। इस तो बाद ही साढ़े सरकारी डॉक्टर डॉक्टर संतोख सिंह जी तो डॉक्टर प्रवीण ये भी अपना बहुत वधिया तैयार कर रहे सैटअप। इस तो बिना शायद लड्डू असी इन्होंने कल्या नहीं खा ले होण ते जां फिर सानू खवाने होण। डॉक्टर राजकुमार जी बैठे हैं ना, हाँ लड्डू खवाने हैं ना सर, हाँ इन्हों भी नैक्सट मंथ कोटी से खा मुहूर्त प्रजेंट हो गया जी। इस तरह साढ़े मनोज विनायक जी इन्हों का काम पूरा हो गया विनायक सर, तो फिर डब्बा नहीं कोई लड्डू नहीं है जी तो नहीं सर ये तो गल दूर तक जाऊ हूँ। ये 15 तरीक वाली मीटिंग च लेके आउंगे जी, इन्हां नूं अज सीगा कि अज काफी कुछ खाण नूं मिल जाणा। चलो असीं एक कह दो सामने क्योंकि इलेक्ट्रोमोपैथी की खोज इटली के अज तो लगभग 150 साल पहले इन्होंने वनस्पति जगत से आधारित बिना जहर तो चिकित्सा प्रणाली समाज में दी इलाज ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਬਟ ਐਂਡ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਜਗਮੋਲ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੌਰ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मैं डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होमे फार्मा चंबा की ओर से एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से यहाँ आपके बीच में आया हूँ और आज EDM में पंजाब टीम की ओर से जो महात्मा मैटी जी के बर्थडे के ऊपर एक सेलिब्रेशन रखी गई है तो मुझे आने का मौका मिला। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो फार्मा है वो अपने आप में एक नेचुरल क्षेत्र के अंदर है जिसकी मैं कह सकते हैं कि वहाँ पर प्राकृतिक जड़ी बूटियों की भरमार है और हर प्रकार की जो फ्रेश जड़ी बूटियों से जो दवाई बनती है वहाँ उपलब्ध रहती है। तो इसी करके हमने वो अपना जो प्रोजेक्ट है एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी यहाँ दवाइयाँ बनाने का और अनुसंधान करने का जो कार्यक्रम है वहाँ पर हम शुरू किया हुआ है। पिछले 30 सालों से ये काम चल रहा है और हिमाचल से वो हिमाचल में ये मान्यता है उनको सरकार की तरफ से कोई एड या कुछ ऐसा मिलता है जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी फिलहाल तो विषय इस वक्त भारत सरकार में मान्यता के लिए विचाराधीन है और उसके ऊपर कई सारी कमेटियाँ भी बनाई गई हैं। पर एक और ख़ास बात ये रही कि विभिन्न न्यायालयों के द्वारा और इवन कि भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे कार्य करना जिसमें कहते हैं चिकित्सा शिक्षा शोध और विकास के लिए पूरी छूट दे रखी है यानी कि कार्य करने की पूरी अनुमति है। पर फिलहाल हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में इलेक्ट्रोमोपैथी को लेकर के सरकार ने बिल्कुल सकारात्मक नज़रिया जो है दिखाया है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोमोपैथी चिकित्सकों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है
और हालांकि ठीक है वहाँ पर बोर्ड गठित तो नहीं किया है, लेकिन सरकार बने कोई उम्मीदें जताई जा रही है? हाँ, नई सरकार बनने पर हमें आशा है कि वो हमारी इन मांगों को, इनके विशेष करके इलेक्ट्रोमोपैथी के लिए अलग से बोर्ड की स्थापना की जाए, और ऐसा हम आशा रखते हैं कि वो हमारी इस मांग को वो पूरा करेंगे। पंजाब सरकार से क्या मांग करें? जी हाँ बिल्कुल, मैं सर राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर बात करें तो मैं पंजाब सरकार से भी मेरी उम्मीद है, और मैं इस समागम के माध्यम से जो आए हुए अतिथियों से ये निवेदन करूँगा कि पंजाब में बहुत ही अच्छा और इवन की पूरे भारत में सबसे बढ़िया कार्य है जो इलेक्ट्रोमोपैथी पर पंजाब में हो रहा है, और विशेष करके मोगा की अगर बात करें तो यहाँ से तो बहुत बड़ा एक सूर्य जो है वो इलेक्ट्रोमोपैथी का सूर्य उगता हुआ सूर्य देखने को मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोमोपैथी के लिए अलग से यहाँ पे काउंसिल बना करके इसके जो चिकित्सक हैं उनको पंजीकरण किया जाए। हम आज के स्वास्थ्य मंत्री जो भी हमारे आने वाले अतिथि हैं उनसे भी ये निवेदन करेंगे कि इसके ऊपर गौर करें, और बीती सरकारों ने बहुत सारे आश्वासन दिए हैं, आते रहे हैं, कई लोगों ने कहा है कि हम इस पर जल्दी गौर करेंगे, लेकिन इस सरकार से जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है हम आशा रखते हैं कि वो इस बार की हमारी जो मांगों को ज़रूर अमल में लाएगी और कोई ना कोई सकारात्मक जो रिजल्ट है वो ज़रूर आएगा। जन्मदिन पे बधाई देना, और सरकार का चेयरमैन होने के नाते मैं जिते भी कित कोई मौका मिलेगा मैं थोड़ी पंजाब रजिस्टर्ड हेड बारे गल जरूर रखूँगा। मैं जे कोई शब्द वध कट गया गया होवे तां खिमत आ जा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। अरोड़ा साहब ये भी वैसे थेरेपी सेंटर चला रहे हैं साडे दोस्त, तो इन्हों का भी वेलकम करते हैं असं। अरोड़ा साहब साडे विचकार सीगे जी न्यूज़ तो, बलजीत भाजी सीगे, तो बहुत बहुत सरबजीत रौली जी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया, क्योंकि जे आप जिन्ना भी काम कर रहे हैं लोगों च पहुँच रहा है तो मीडिया के माध्यम राही पहुँच रहा है। पंजाब प्लस की टीम का भी असं धन्यवाद करते जो लाइव अपन चला रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जा रहा है, तो मैं हमने देख रहा है लगभग 17,500 व्यू ऑनलाइन अपन लोग लाइव देख रहे हैं, तो असं इन्हों के भी बड़े धनवादी हैं, तो अपना बैठे बैठा आया इतने मैसेज अगे पहुँच रहे। इस तो नैक्सट आप एक न्यू क्लीनिक बारे देखा जिन्होंने इस साल ओपनिंग की है, डॉक्टर तेजपाल सिंह जी। सब तो पहले आप उन्होंने क्लीनिक दिन फोटो देखेंगे, तो फिर डॉक्टर तेजपाल जी को आप इनवाइट करेंगे स्टेज पर उन्होंने मान सम्मान करने। डॉक्टर तेजपाल जी भी बहुत पुराने साथी है साडे, डॉक्टर सरबजीत, डॉक्टर संतोष जी, डॉक्टर सरबजिंदर जी के क्लासमेट जिन्होंने बाबे के कॉलेज तो डिग्री प्राप्त की थी, तो उस तो बाद एलोपैथी के रुझेवें पै गए थे, पर संतोष जी तो सरबजीत जी ने फिर इन्हों दोबारा इस सिस्टम वाली इदू उपर की मैं नहीं लगता भी कोई वधिया होर पैथी होगी। हाँ मॉडर्न सैंस हैगी कह लें भी एमरजेंसी जी कितने है ना, बट जो यही कोई भी वक् वक् डिजीज से वर्क करती है तो आप होर बचन मगर कोई लोड़ नहीं। इस करके इलेक्ट्रोमोपैथी एक योजी आ जिमें कि कहें भी कणिया के सूरज भेजते नहीं होंगे, उस तरह ही है यदि सदा ही जय जयकार होगी। तो मैं थोड़ी दो लाइनों के नाल समाप्त करदा, किसी शायर ने लिखा हरमनजीत ने, मिर्गा तेरे अंदर ही कस्तूरी होंगी, मिर्गा तेरे अंदर ही कस्तूरी होंगी है, हर काम के मेहनत बड़ी जरूरी होंगी है। सो आपां भी सारयां नूं इं नहीं कहना भी आप अज अपने पांच पेशेंट आ, अज सत पेशेंट, अज दस पेशेंट आ, तुसीं लगे रहो अज दस आ, कल उ 15 हो गए, आते महीने ही 20 हो गए, हो सकता 70, 80, 90, 100 तक चले जा। मिर्गा तेरे अंदर ही कस्तूरी होंगी है, हर काम के मेहनत बड़ी जरूरी होंगी है, मोमबत्ती कदे कड़ाहे रहते नहीं होंगे, सूरज कदे भी कणिया के भजते नहीं होंगे, सूरज कदे भी कणिया के भजते नहीं होंगे, यही इलेक्ट्रोमैथी
जी कि कदे भी जाने के भजती नहीं। सो धन्यवाद सारे इतने पहुंचे डॉक्टर साहबाना का जी आए। तीन चार साल पहले जुड़ा था तो जब मैंने देखा भी बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स जो प्योर इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले पा रहे हैं। तो जी उस दिन के बाद से ही मैं अपने सेटअप को जो मेरा पहले एलोपैथिक हॉस्पिटल था उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने रेडिसन कंपनी के मेडिसिन यूज करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी और आज मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही काफ़ी एरिया में बना हुआ इलेक्ट्रो होम्योपैथी हॉस्पिटल है। और मैंने काफ़ी जो मेरे डॉक्टर साहिबान हैं और साथ में आए भी हुए हैं और ये मैंने देखा है सर जो प्योर इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्योर रेडिसंस में प्रैक्टिस करना स्टार्ट इन्होंने किया है बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा तरक्कियाँ उन्होंने पाई और काफ़ी डॉक्टर सभी आए भी हुए हैं यहाँ पे और नेक्स्ट ईयर्स जो भी यहाँ पे नए हॉस्पिटल ओपनिंग के लिए जो अवार्ड दिया जा रहा है उनके अंदर वो शामिल होंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी एडीएमए टीम का और अनुरोध यही करूँगा सभी डॉक्टर साहिबान से कि अपने पैथी में वापस आएँ और मिक्स में ना करते हुए प्योर इलेक्ट्रो होम्योपैथ में रेडिसन फार्मा के मेडिसन यूज करते हुए अपनी प्रैक्टिस में चार चांद लगाएँ। तो थैंक यू सो मच। सामने जी वेट असीं वेलकम करते हैं डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा MLA मोगा जिहड़ा कि अपने कीमती समय दे विचों समां लग के साडे विचकार पहुंचे हैं। इन्हां दे नाल ही मैं वेलकम करूँगा चानी साहब का साडे MC साहब मोगे दे ते बहुत बहुत धन्यवाद होगी अपना कीमती समां कढ के पहुंचे हैं। उन्होंने नाल मेरे सरकारयोग साथी दीप तारापुर तो वह भी बहुत अपना कीमती समा साडे नाल पहुंचे है साडे कोल उदों भी साडा यही मैसेज सीगा ते अज भी साडा यही मैसेज है ते तुहानू ऑलरेडी सारी गल का पता ते अज साडे पूरे पंजाब तो डॉक्टर इत्थे प्रेजेंट होए है। साडा जिहड़ा मेन फंक्शन है 11 जनवरी नूं हुंदा पर 11 जनवरी नूं असीं नैशनल लैवल ते धामपुर दे विच उह फंक्शन मना रहे हैं इस करके इलैक्ट्रोमोबिलाइजेशन उन्हों की हुई है तो राजस्थान के इलैक्ट्रोमोबिलिटी ऑलरेडी मानता मिल चुकी है तो पंजाब के जो मैं गल करा 25,000 तो प्लस डॉक्टर्स ये जुड़े हुए हैं जिदे दो मेजर संस्थान पंजाब के जेडे आप नावा जी मैडम गुरविंदर कौर सैनी प्रवीण जी मैडम नावा सामने देखो अपने हाँ जी ਦੱਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੈ ਯਾਰ ਮਾ ਰੁਕੋ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ खोलो ही बुक इधर इतने सामने हाँ जी डॉक्टर साहब इधर हाँ जी सामने वेट एक मिनट वेट वेट थैंक यू जी पूरे वर्ल्ड के सारे अज 25,000 मेंबर्स जेडे इलैक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल एसोसीएशन के हैगे है। सो सारे ही अगर असी गल करिए अगर असी सोचिए तो उन्होंने करके उन्होंने जो उस वक्त
जो कार गड्डी सी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उसनों ही असी अगे ला के बन रहे हैं। सो मेरे वालों सारे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी मैडिकल एसोसीएशन के सारे डॉक्टर साहबानों उन्होंने परिवारों के पूरे पंजाब को उन्होंने अज 204 जन्म दिहाड़े के बहुत बहुत मुबारक। सो सब तो पहला मैं 2016 फर्स्ट जरा साडे उदो ऑब्जर्वर होंगे सके आम आदमी पार्टी के अंकुश नारायण जी उन्होंने नाल मैं एक सी सैमीनार सीगा कॉन्फ्रेंस सी वो अटेंड की सी मोगा दे विच। तो उस तो बाद सारी डॉक्टर साहबाना दे नाल मुलाकात हुई। सो बहुत ही अच्छा एक परिवारिक जिहड़े हैगे रिलेशन उस तरह के बन गए सारिआं दे नाल। मैं खुद एक डॉक्टर हाँ सो तुहाडे नाल हमेशा खड़ी हाँ। एंड अज साडे बहुत ही मानजोग साडे हेल्थ मिनिस्टर सरदार चेतन सिंह जोड़माजरा जी वो इतने आ रहे थे बट अज कैबिनेट की मीटिंग होल करके वो नहीं आ पाए। उन्होंने मैं स्पैशल एक मैसेज भेजा थोड़े सारियों के लिए। सब तो पहला तो वो माफ़ी उन्होंने मंगी है क्योंकि अज मीटिंग आ करके कैबिनेट भी वो इतने नहीं पहुँच सके है। सो उन्होंने हाजिरी सारे ही प्रवान करना जी और उन्होंने वालों बहुत बहुत मुबारक। एंड जिन्हें भी तुसी जी है अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मैडिकल एसोसीएशन की जी मानता के लिए एक कौंसल बनाने लिए जी मंग रखी सी मिनिस्टर साहब के नाल ऑलरेडी गल हुई हुई है। तो जल्दी ही तुहाडे नाल मीटिंग करके उसनों जिहड़ा हैगा अपना अगला जी कार्रवाई की जाएगी। सो मेरे वालों सारे ही मैंबर साहबानों डॉक्टर्स सारे बहुत बहुत मुबारक। एंड सारे का मैं इतने इनवाइट करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो बेस्ट विशेष सारे के लिए हैप्पी न्यू ईयर। परमात्मा तुम सारे चर्ची करा के रखे तंदुरुस्ती रखे तो बच्चों के परमात्मा अपनी मेहर कर बच्चे अच्छे पढ़ लिख के सारे ही अद्दा ही नाम रोशन कर पंजाब का। सो मेरे वालों सारे बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी। अज साडे मोगा दे विच इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसीएशन वालों जिहड़ा हैगा काउंसल जी मटई जी का जिहड़ा 204वां जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा बहुत ही अच्छी तरह। सो मेरे वालों सारे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स एसोसीएशन पूरे पंजाब की एसोसीएशन बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एंड अगर असी गल करिए रवान करना जी अपोजिशन से उन्होंने भी मुद्दा उठाया विधानसभा
उस तो बाद अपने मान साहब इन्होंने भी ये सवाल उठाए थे कि इस सिस्टम को बकायदा रेकोगनाइज किया जाए। उस तो बाद तुहानू सारयां नू पता ही हैगा कि दो साल पहला एम पी साहब आए थे और आके खुद भी उस टाइम पर आश्वासन दे के गए थे। हुण भी पिछले दिनों के उन्हां नाल अमन जी के थ्रू फोनिकली गल्लां होईयां हैगियां। वो कहिंदे भी सानू थोड़े रुझेवे ज़्यादा चल रहे हैं भी उधरों थोड़ा जिहा फ्री होण दिओ भी उस तो बाद सिस्टम इलैक्ट्रोमोपैथी के प्रति जरूर कुछ वधिया करांगे। सो भरोसा आपां जे गल करिए इंडिया के इलैक्ट्रोमोपैथी 1890 के करीब आ चुकी सी जिवें डॉक्टर परमिंदर पाठक जी दस के गए हैगे आ कि फादर मुलर जी जिन्होंने मैटी जी को मिल के इंडिया के इलैक्ट्रोमोपैथी का प्रचार से प्रसार शुरू किया। उस तो बाद समा चलता रहा सिस्टम भी चलता रहा बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट चलते रहे और बहुत सारे डॉक्टर जोड़े है वो डिग्रियां कंप्लीट करते रहे डिप्लोमेंट कंप्लीट करते रहे और सिस्टम चलता रहा। पर 2004 एक यहोजा समा अज का सिस्टम के उन्होंने कन्वर्ट कर लिया जां कई ने अपना कुछ होर व्यवसाय जोड़ा सीगा वो शुरू करता। 2008 दे विच एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई इटली दे विच जिथे इंडिया तो चार लोगों नू सद्दा मिलिया जिहदे विच दास नू भी जाण दा मौका मिलिया और मेरे नाल मेरे साथी मेरे सीनियर डॉक्टर संजीव शर्मा जी डॉक्टर बख्शी जी और डॉक्टर वैसट बंगाल तो सीगे डॉक्टर कुंडू जी ये चार लोग गए सी असीं। और जिवें तुहानू सारयां नू पता ही हैगा कुछ लोगों नू शायद ना पता होवे कि उस सैशन की जो इनविटेशन आई सी इटली की और मैं अपनी फुल तैयारी करके गया कि मैं उत्थे रुक जूँगा क्योंकि अपने इत्थे इलैक्ट्रोपैथी उस टाइम टोटली एक बार रुक चुकी सी बैन हो चुकी सी। पर उत्थे जाके पता लग्या कि एडियां वधिया मेडिसन जिहड़ियां हैगियां वो मिल रही हैं क्योंकि ये भी एक कमी सी कि वधिया मेडिसन ना मिलने करके वधिया रिजल्ट नहीं सी मिलते तो लोग इनू भुलते जा रहे सी। जो मेडिसिन दी टेस्टिंग हुई वधिया रिजल्ट्स मिले पता लग्या कि अपने नेड़े हिमाचल दे विच चंबे दे विच ही वधिया मेडिसिन मिलती हैगी है तो उत्थों दा जिहड़ा सीगा वो डिसीजन बदल के वापस फिर इंडिया आ गए। पर वापस आके एक शुरुआत की भी बाकी जिहड़े चार दिन पाँच दिन मैं प्रैक्टिस करूँगा और एक दिन डेढ़ दिन जिहड़ा हैगा मैं सिस्टम लई लाऊँगा और वह भी एक दिन डेढ़ दिन कढ़दा कढ़दा और अज तुहाडे सामने है कि आपां सारे एक वधिया प्रैक्टिस दे विच हैगे हां। और इहदे नाल ही संबंधित कुछ पहलू जिहड़े मैं तुहानू दसने चाहुंना कि बहुत सारिया एसोसीएशन पहला भी कम कर दियां रहियां हैगियां और पिछलियां एसोसीएशन दे विच एक एसोसीएशन सीगी जिहड़ी बीजेपी उहनां दे थ्रू एक केस होया सीगा पंजाब हाई कोर्ट दे विच 25/3/2002 और उत्थे एक डिसीजन होया सी और उन्हें हाई कोर्ट ने बकायदा सरकार पंजाब सरकार को कहा सीगा कि इलैक्ट्रोपैथी के प्रति तुहाडा की रवैया की व्यवहार हैगा। तो उस टाइम एक ऑर्डर होया सीगा जिहदे विच पंजाब के जिन्हें भी इलैक्ट्रोपैथ है वो सारे अपनी अगर पैथी च काम करते हैं तो इन्हां ते कोई भी रोक लागू नहीं होएगी कोई भी इन्हां ते कानून लागू नहीं होएगा। सो इस तो बाद पंज मई 2010 भारत सरकार जिहड़ा हैल्थ मिनिस्ट्री अपनी हैगी है उन्होंने एक मता पाया कि पंजाब दे विच जां पूरे भारत दे विच जिन्हें भी इलैक्ट्रोहोम्योपैथ हैगे है वो अपनी पैथी दे विच अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हां ते कोई भी रोक नहीं और इसे आधार मान के बाकी बहुत सारिया स्टेटा के कुछ डिसीजन जोड़े है वक्रिया वक्रिया स्टेटा ने या वक्रे वक्रे कोर्टा ने दिते पॉजिटिव इलैक्ट्रोमैथी लिए कि अपना काम करते रहन। उस तो बाद 18
दे वैच बकायदा राजस्थान सरकार ने आप सारे जानते हैं जो लोग नहीं जानते उन्होंने ये है कि 2018 के बकायदा उत्थे एक बिल पास होया इलैक्ट्रोपैथी लई और राजस्थान के एक रिकोगनाइज सिस्टम बन गया। ये ही कुछ होर जो गतिविधियां चलती रही जिम्मे महाराष्ट्र हैगी एडवांस डिप्लोमा वो दे रही है महाराष्ट्र सरकार उत्थे अगर वह गवर्नमेंट तो फ्री डिप्लोमा करते हैं तो वैलिड हैगा। हालांकि जिन्हें भी आल इंडिया के इंस्टीट्यूट कॉलेज जो भी डिप्लोमा डिग्री दे रहे हैं ये सारे वैलिड ने क्योंकि जिन्हें भी टाइम सरकार अपना कोई रूल रेगुलेशन वखरा नहीं बनाती उन्ना टाइम वह वैलिड ही रहेंगे। इस तो अलावा कुछ यूनीवर्सिटियां आप सारे देखते हैं वखरिया वखरिया कोई ना कोई स्पैशल कोर्स चला है और मध्य प्रदेश की एक अटल बिहारी वाजपेयी यूनीवर्सिटी हैगी है वो भी एक साल का डिप्लोमा प्रोवाइड करवा रही हैगी है क्योंकि जड़िया यूनीवर्सिटीज UGC के अंडर है वह वैलिड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स दे सकती हैं और वो वैलिड ही होंगे। इस आप डॉक्टर जगजीत जी पहले दस के गए हैं कि बकायदा कोविड के दिनों स्पैशली एक DC साहब वालों ऑर्डर हुए थे और तो पता होगा कि DC साहब कोई भी ऑर्डर किसी तरह का करता है वो सारे डिपार्टमेंट्स को बकायदा भेजा जाता नाल नाल वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सारे एक कॉपी जी है मेल की जाती या पेस्ट की जाती। इस तो अलावा हुण अग्रसर हैगियां जिहड़ियां बहुत सारिया स्टेटां दे विच हिमाचल UP जां कुछ होर स्टेट आ जिथे बहुत जल्द ये सिस्टम रिकोगनाइज हो जाएगा। सो आपां भी इस उम्मीद दे विच हैगे आ कि राजस्थान तो बाद दूसरा सूबा जिहड़ा हैगा वह पंजाब एक रिकोगनाइज सूबा कहलाऊगा बहुत जल्दी क्योंकि जो आश्वासन आपां नूं दित्ते जा रहे हन कमिश्नर वल्लों वाकई पॉजिटिव हन। सो मैं यही कहूँगा तुहानू सारयां नूं कि पॉजिटिव होकर अपनी पैथी दे विच काम करो पैथी च काम करोगे तो तुहानू कोई रोक ठोक नहीं होएगी क्योंकि सब तो पहला आपां सरकार नालों लोगों के इनू रिकोगनाइज करिए और जो लोगों ने आपां नूं रिकोगनाइज करता तो सरकार की कोई जरूरत नहीं कि आपां रिकोगनाइज ना करे। सो थैंक यू। Thank you.
इस शुभ मौके पर जथेबंदी के चेयरमैन साहब डॉक्टर जगतार सिंह जी और जथेबंदी के प्रेजिडेंट डॉक्टर जगमोहन सिंह जी और जनरल सैकटरी डॉक्टर परमिंदर पाठक जी तो बाकी जिन्हें भी तुम डॉक्टर इतने हाजिर हो सब तो पहला मैं फतेह आदि करता प्रवान करनी वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की फतेह। साडे इलाज के लिए तीन पैथियां जिहड़ियां प्रमुख तौर पर काम करते हैं जिन्हां दे विच एलोपैथी होम्योपैथी और इलैक्ट्रो होम्योपैथी और एक गल मैं बड़े दावे नाल आख सकदा कि जी इलैक्ट्रो होम्योपैथी है इन्हें मतलब बड़ी जल्दी दे नाल तरक्की की है और सब तो वड्डी गल कि इहदा तुसीं डॉक्टरों तुसीं जानते हो ज़्यादा असीं सुने आ भी इहदा कोई साइड इफेक्ट नहीं जबकि बेझक मैं कहना चाहना कि एलोपैथी का साइड इफेक्ट बहुत है। एक रोग न एक बीमारी में जो खत्म कर दिया तो ना दूसरी बीमारी में शुरू कर दूंगी। हर्बल का होम्योपैथी का मैं कहूँगा ये सोचा हुआ रूप तो तुम डॉक्टर साहबान बड़ी मेहनत कर रहे हो और एक होर खुशी की गल ये भी ये इलाज बड़ा सस्ता जबकि एलोपैथी के बड़ा महंगा इलाज है। सो ती अपनी जी इलैक्ट्रो होम्योपैथी की शुरुआत 214 साल पहला हुई सी ते हर साल तुम ये दिन भी मनाने हो क्योंकि पिछली बार भी जो सीएम साहब आए आ सदा सीगा मैं नहीं सी पहुँच सकया किसी जिम्मे कारण तो सीएम साहब आए थे जी थी डिमांड आने कि साड़ी पैथी बारे सरकार तक आवाज़ पहुँचाई जाए। डॉक्टर साहब ने दसिया कि राजस्थान के इस पैथी को मानता दी गई है जबकि पंजाब के नहीं। मैं तुम्हें कहना चाहना कि तुम दो मैं देने मेमोरेंडम रिटन के दौ ज्यादा विस्तार ना हो टू दी पॉइंट लिखा हो और जिन्ना लिखा बड़ा सॉलिड लिखा हो मैं सरकार के ध्यान में लेके आऊँगा। सीएम साहब को बकायदा श्री भगवंत मान जी को मिल के तुहाडी पैथी बारे भी विचार वटांदरा करूँगा और बकायदा उन्होंने मैं मेमोरेंडम के लिए देगा। इस करके मैं तुम्हें बेनती करनी चाहना कि तुम ये मैं जल्दी तो जल्दी दो ताकि आने वाले नैक्सट वीक मैं जाना तो मैं सीएम साहब मिल के थोड़े बारे गल भी करूँगा और उन्होंने मेमोरेंडम भी दूंगा। तो मैं उम्मीद भी आ भी जिस तरह सीएम साहब काम कर रहे हैं तो थोड़ी गल में बहुत गौर नाल विचारनगे माहरां नाल भी मशवरा करनगे जिवें भी पॉसीबल हो सकिया असीं तुहाडी मदद करांगे जो तुसीं चाहुंदे हो वो डिमांड हो पूरा। तुहाडी गल्लां मेरे मन च आ रही क्योंकि तुसीं जमहूरियां कतारां दा तकरीबन मेरे पुराने सज्जन मित्र बैठे मैनूं बड़ी खुशी है कि तुहाडे सैकटरी साहब परमिंदर पाठक जी है तो परमिंदर पाठक जी नाल मेरा बहुत पुराना तो प्यारा रिश्ता मशहूर टाइम तो ज्यादा तो नहीं इन्हों का स्कूल होता सी उत्थे मैं एज ए टीचर पढ़ा शुरू किया अकाल पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल बड़ा सारा प्यार से थोड़े टाइम बाद पढ़ा मेरा काम तो खत्म ही सी क्या मैं पाठक साहब कदे जगाओं जाना लुधियाने जाना चंडीगढ़ जाना पटियाले जाना संगरूर जाना बस इस नहीं
बस प्यार नाल तुरे फिरते रहते सी। सा बहुत प्यार है और खुशी की गल है कि 2000 तो अज तक असी उ भावों वागू रेंगे वरतते हैं मिलते हैं बड़ी साझ है तो परमात्मा आने वाले समय के बच्चे भी इस तरह साधनाई बनाई रखे तो पाठ साहब थोड़े चलौला बन जी बद कर जाते हैं एक ज्यादा चंकी तरह मतलब लोड़ रोड दिया गल चंगे निकल गए तो पाठ साहब सारा जख्म हो गए पूरे फिर चक अस लैके गए सारा दिन अटका सारा महीना बताते हैं डॉक्टर राजवीर जी बैठे रौंते वाले होर जगजीत जी बैठे मनप्रीत जी बैठे मेरे सारे पुराने सर्कल दे सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद मैनू तुसीं रिटन दे विच दिओ ताकि मैं तुहाडी गल सरकार तक पहुँचावा अकबाल सिंह जी जो बतौर पत्रकार सेवावान निभा रहे हैं इन्होंने भी साडा 25-26 साल का पुराना रिश्ता बहुत ईमानदारी बहुत मेहनत नाल काम करते हैं सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद।